उत्तर प्रदेश के बलिया में हाल ही में सैकड़ों दुल्हनों की बिना दूल्हे के शादी कराने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। मामले में दो एडीओ समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बीते 25 जनवरी को मनियर इंटर कॉलेज के मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था। इस दौरान समाज कल्याण विभाग की ओर से 568 जोड़ों की शादी का दावा किया गया। अगले दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दुल्हनें खुद अपने ही गले में वरमाला डालती हुई नजर आईं। यही नहीं, सम्मेलन में कई ऐसे दूल्हे भी नजर आए जो अभी किशोरावस्था में थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि शादी में 90% से ज्यादा जोड़े फर्जी थे। ऐसे में कुछ प्रधानों ने फर्जीवाड़े की शिकायत की। लाइव हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। दो दिनों की जांच के भीतर तकरीबन 245 शादियां फर्जी मिली। इसके बाद कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। स्थानीय डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि सामूहिक विवाह के मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जांच के बाद अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि वीडियो और सचिवों की भूमिका पर भी पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के अनुसार लाभार्थियों के सत्यापन का काम वीडियो की लॉगिन आईडी से होता है। सचिव गांवों में जाकर सूची का सत्यापन करने के बाद वीडियो को देते हैं। ऐसे में उन पर कार्रवाई नहीं होना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में सपा के बाज डीएम विस इकाई के अध्यक्ष उदय बहादुर ने सीबीआईडी जांच कराने की मांग की है। बता दें कि सामूहिक विवाह प्रकरण को लेकर गंभीर डीएम और सीडीओ ने सोमवार को दो गांवों के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराया। सूत्रों की माने तो जांच में सभी चार ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारियों और सचिवों की भूमिका भी संदिग्ध मिली। मामले की जांच के बाद समाज कल्याण के दो एडीओ, समाज कल्याण विभाग के एक लिपिक और 12 बिचौलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जिले के बाजडीह, बेरुवार बारी और रेवती ब्लॉक के एडीओ भानु प्रताप, मनियर ब्लॉक के एडीओ सुनील यादव और समाज कल्याण विभाग के पटल सहायक रविंद्र गुप्ता शामिल है। दरअसल बुधवार को कई स्थानों पर छापेमारी की गई थी, जहां सारे आरोपियों को पकड़ लिया गया। गुरुवार को पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि मामले में आरोपी एडीओ सुनील यादव को निलंबित किया जा चुका है। इसी के साथ एक अन्य आरोपी एडीओ भानु प्रताप के निलंबन की रिकमेंडेशन भी भेज दी गई है।